बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ के साथ व्याकरण भी समझा रही हूँ और व्याकरण में आज आपको बता रही हूँ संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। स्थान, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान, ये सारी चीज़ें क्या हैं? संज्ञा। ये देखिए बच्चों, राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, ये क्या हो गए आपके? व्यक्ति। ये देखो बच्चों, ये वस्तुओं के नाम हैं, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। ये होते हैं बच्चे भाव। हमने आपको परिभाषा में भाव बताया ना, तो ये देखिए, क्रोध, गुस्सा आना, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, दुख, भूख, प्यास, ये आदि सभी चीज़ें क्या होती हैं? भाव, जिनसे हमको मालूम चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। यहाँ है बच्चों स्थानों के नाम, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि, ये सारे स्थानों के नाम भी क्या होते हैं? संज्ञा होती है। देखो बच्चों, मैंने ये ट्रेन भी ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यही है संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। आपको इस परिभाषा को याद करना है और फिर इसको लिखना भी है। धन्यवाद।